नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एनकेजी क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। दादी नानी की बताई हुई बहुत ही कमाल के नुस्खे। नंबर एक, जो खीरा रोजाना खाता है ऐसे बंदे को सांस की बीमारी नहीं होती है। नंबर दो, बगैर चीनी के नींबू पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू दूर हो जाती है। नंबर तीन, पानी में हरी इलायची उबालकर पीने से बुखार उतर जाता है। नंबर चार, रोजाना 30 मिनट चहलकदमी करने से सैकड़ों बीमारियों से निजात मिलती है। नंबर 15, जिन औरतों की स्किन खुश्क और रूखी हो वो नाशपाती खाया करें। नंबर 6, लाल मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल मैदे को, आँखों को और दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 7, अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो ये जिगर के कमजोर होने की निशानी है। नंबर 8, ज्यादा ठंडा पानी पीने से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। नंबर 9, दांत गिरते हो या हिलते हो तो नीम की दातुन करें, इससे दांत मजबूत हो जाएंगे। नंबर 10, पुदीने के पत्ते लेकर स्किन पर रगड़ें, इससे स्किन नरम और मुलायम और तरोताजा हो जाएगी। नंबर 11, पानी पीकर पेशाब करने से आपके गुर्दे साफ हो जाएंगे। नंबर 12, नींबू का सेवन लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक कप गुनगुने पानी में एक नींबू का रस और एक चम्मच मिश्री मिलाकर चाय की तरह सुबह पीने से लीवर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। नंबर 13, नींबू के इस्तेमाल से याददाश्त तेज होती है और जिगर की कमजोरी से निजात मिलती है। नंबर 14, ज्यादा प्यास लगी होने पर पानी घूट घूट करके पिए, एकदम से एक सांस में हरगिज ना पिए। नंबर 15, खजूर रोजाना नाश्ते में खा लें, इससे अंदरूनी कमजोरी खत्म हो जाती है। नंबर 16, बादाम का तेल हल्का सा चेहरे पर लगा लेने से सूरज की किरणों के नुकसान से बच सकते हैं। नंबर 17, बदहजमी हो जाए तो दूध का सेवन ना करें। नंबर 18, दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करना और रात के खाने के बाद कुछ देर चहलकदमी करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 19, एक दिन में 4 से 5 काजू का सेवन किया जा सकता है। अगर आप इससे ज्यादा काजू का सेवन करते हैं तो यह फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। नंबर 20, सुबह खाली पेट आम का शेक पीने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। नंबर 21, पानी कम पीने से होंठ रूखे हो जाते हैं। नंबर 22, जो रोजाना सुबह के वक्त एक टमाटर खाता है उसके बाल सफेद नहीं होते हैं। नंबर 23, आम खाने के बाद ऊपर से पानी पीना ऐसे है जैसे जहर खाना, लिहाजा आम खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 24, रोजाना पांव के तलवों और हाथों की हथेलियों पर तेल की मालिश करके सोए, इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। नंबर 25, अगर खाना बनाते वक्त जुबान दांतों के नीचे आ जाए तो फौरन कोई मीठी चीज चख ले, इससे आराम मिलेगा। नंबर 26, इसबगोल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत मिलती है। नंबर 27, जुबान सफेद हो तो मुंह में छाले निकलते हैं। नंबर 28, जिनका हाजमा ठीक ना रहता हो उनको रोजाना गन्ने का रस पीना चाहिए। नंबर 29, अगर स्याही का दाग लग जाए तो दाग वाली जगह पर नमक लगाकर रगड़े, इससे दाग खत्म हो जाएंगे। नंबर 30, एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा ले, इससे दाग दूर हो जाएंगे। नंबर 31, मक्खन को ठंडा करके एक चम्मच खा लेने से शरीर को गर्मी नहीं लगेगी। नंबर 32, ज्यादा खाना खाने वाले बंदे को बहुत जल्दी बीमारियां घेर लेती हैं। नंबर 33, रोजाना चुकंदर खाने से पुरानी खांसी से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 34, रात के वक्त दही का इस्तेमाल करने से मैदा खराब हो जाता है। नंबर 35, भैंस के दूध में खजूर डालकर पीने से बहुत जल्दी कद लंबा हो जाएगा। नंबर 36, अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो सुबह खाली पेट शहद और प्याज मिलाकर खाया करें।
नंबर 37। अचानक पेट का दर्द शुरू हो जाए तो गुनगुने पानी में काला नमक डालकर पी लिया करें, पेट के दर्द में फौरन आराम मिल जाएगा। नंबर 38। उबले चावलों के पानी से 7 दिन मुंह धो ले तो चेहरे का सांवला रंग दूध जैसा सफेद हो जाएगा और झुर्रियां और झाइयां दूर हो जाएंगी। नंबर 39। ज्यादा मिर्ची इस्तेमाल करने से इंसान की उम्र कम हो जाती है और जिन लोगों की बवासीर की दिक्कत हो वो मिर्ची बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नंबर 40। अरबी लोग नाक के अंदर तेल क्यों लगाते हैं? क्योंकि नाक में तेल लगाने से चेहरे का हुस्न बढ़ता है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। नंबर 41। पानी में नमक डालकर घर के फर्श को धोया जाए तो कीड़ों और मक्खियों से छुटकारा मिलेगा। नंबर 42। कच्चा लहसुन रोजाना खाने से दिल मजबूत रहेगा। नंबर 43। पानी में गुलाब का अर्क मिलाकर पीने से चेहरा हमेशा जवान रहेगा। नंबर 44। छाया में सुखाए हुए करेले का 1 चम्मच पाउडर प्रतिदिन सेवन करने से डायबिटीज में राहत मिलती है। नंबर 45। दिन में थोड़ी देर नंगे पैर चलना चाहिए और अगर आप हरी घास पर नंगे पैर चलते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 46। निहार मुंह रोजाना नींबू और अदरक का पानी पीने से बढ़ता हुआ पेट कम होने लगता है। नंबर 47। जंग लगे लोहे पर कोका कोला की बोतल डाली जाए तो जंग उतर जाता है। नंबर 48। बिरयानी या पुलाव बनाने के लिए पुराने चावल का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 49। खजूर खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हाजमा बिगड़ जाता है। नंबर 50। एलर्जी का मसला होने लगे तो फौरन दही के अंदर जीरा डालकर खाएं, हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। नंबर 51। मोटापे के शिकार होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि सुबह का नाश्ता टाइम पर नहीं करना। नंबर 52। जिन लोगों को भूख कम लगती है वो रोजाना 4 से 5 मड़वा के पत्ते धोकर खाए, इससे भूख लगने लगेगी। नंबर 53। अगर अचानक पेट में दर्द की शिकायत हो तो एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले और छोटे छोटे टुकड़े करके उन पर हल्का सा नमक छिड़क दे और फिर खा ले, इससे थोड़ी देर में ही पेट दर्द में आराम मिल जाएगा। नंबर 54। अगर बुखार की वजह से शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है तो रोजाना 3 या 4-5 दाने मुनक्का के तवे पर भून लें और उसके बीज निकाल लें और फिर खाएं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। नंबर 55। कमजोर हाजमे वाले लोगों को केले का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।